आज मैं आपको प्रेम बेटा कैसे खेला जाए सिखाने वाली हूँ। इस प्रेम बेटा को आप देख चुके होंगे, ये बड़ा मज़ेदार गेम है। इसे हम ऐसे खेलते हैं, इसे ऐसे लिया जाता है, ऐसे चला जाता है। फ्रेंड्स ये 13 नहीं चलता, मतलब अगर यहाँ पर गोटी खाली रहे तो ये ऐसे नहीं चल सकता है। हम आरा ब्रेन बेटा ऐसे ही चल सकता है। वेलकम टू ज्योतिष फ्रा डॉल एंड डांस वीडियो फ्रेंड्स। सो इसे हम ऐसे खेलते हैं। अब इसमें रूल होता है कि हमें एक ऐसे ऐसे चलना है और एक को हटा देना है। ओके दोस्तों, हमें शुरू में हमारा ऐसे से रहता है, एक पीस खाली रहता है। ये एक पीस मेरा एक्स्ट्रा नहीं दिया था, मैंने खरीदा है, ये 5 रुपये 2 रुपये में मिलता है मेरे पास, मेरे आसपास की दुकान में। सो फ्रेंड्स इसे ऐसे चला जाता है। इस गेम में रूल होता है कि यहाँ पर बीच में एक ही गोटी लगानी रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ मैंने गलती में ऐसे कर दी थोड़ी सी, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लाना रहता है। तो चलिए फिर से सरिया देती हूँ मैं ऐसे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको चलेंगे कुछ इस तरह और इसको हटा देंगे। ओके, सेकंड हम इसको चलेंगे ऐसे। ओके, और उसके बाद हम इसको चलेंगे और ये घपला मतलब ये हटा देंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी ना ऐसे। तो ये हमारा यहाँ एक एल जैसा शेप बन जाता है, हमें ऐसा ही लाना। नेक्स्ट हमारा चलाएगा ये दोनों इधर साइड ऐसे ऐसे। ओके, और ये आप देख सकते हैं मुझे इसको इधर लाना है। ओके, तो ये जैसा ये शेप है यहाँ पर वैसा ही शेप हमें इधर भी लाना है। वो तो आप समझ ही गए होंगे कैसे लाना है, इसे यहाँ करके और फिर उसके बाद वापस लाना है। सबसे पहले ये स्टेप चलेंगे, उसके बाद ये स्टेप चलाएगा, उसके बाद ऐसे चलाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें भी ऐसे ऐसे बन गया, इसमें भी ऐसे ऐसे बन गया। सो फ्रेंड्स अब आगे हम चलेंगे, बताऊँ किसको के बताती हूँ। ये दोनों साइड एक ही स्टेप होगा, तो मैं इसको भी इधर ये दोनों चलाएगा तो इसको भी खसका दूँगी और इसको भी खसका दूँगी। देखो ऐसे, और फिर उसके बाद हम इन दोनों को इस साइड लाएंगे। अब हम ये तो हमारा फर्स्ट गैप आपको लग रहा होगा, सॉरी ये तो हमारा फर्स्ट गैप आपको लग रहा होगा, ये दोनों को इधर लाना हमें। देखिए ऐसे, अब ये दोनों को इधर लाकर इसको खींच लेंगे इस तरह से। ओके, अब ये दोनों को हम इस होल में ले आएंगे ऐसे। सो ये दोनों को भी हम इधर चल देंगे और इधर चल देंगे। इसके बाद ये हमारा ऐसा सेप हो जाता है 10x10। हमने ये सारा खाली कर दिया, बस हमें ये खाली करके 1 लाना है। इसके लिए सबसे पहले हम इसे इधर चलेंगे कुछ ऐसे, मतलब मैंने इधर से इधर ले आया है। अब इसको यहाँ चलेंगे और इसको गैप कर देंगे ऐसे। अब हम इसको यहाँ चल देते हैं। आपको लग रहा होगा मैं गलत कर रही हूँ, बट इसको यहाँ चल के इसको खींच लेना है। पहले इसको यहाँ चलती हूँ मैं और इसको भी यहाँ चल देती हूँ। और अब इसको हम यहाँ चल देंगे और दूसरे ऐसे शेप बना देंगे ऐसा। अब हम इससे एल बनाएंगे, ऑब्वियसली ऐसे चलकर ही हम एल बना सकते हैं, मतलब इस साइड से एल बनेगा। तो इसको हम यहाँ चल देंगे अब और इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ चलेंगे फूस ऐसे। ओके दोस्तों, तो इसमें ऐसे एक लाया जाता है। ओके बाय दोस्तों, ये बहुत इजी स्टेप है, सीख लोगे तो याद हो जाएगा। बाय बाय दोस्तों।